This news is brought to you by La Montessori Chain of Schools, grooming students to excellence. जिला पुस्तकालय मंडी में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल विभिन्न समस्याओं को लेकर एडीसी मंडी निवेदिता नेगी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। राजकीय जिला पुस्तकालय मंडी में पढ़ने वाले अभ्यर्थी खुशबू गुप्ता, अश्विनी कुमार और मनीष कुमार ने बताया, पुस्तकालय में काफी लंबे समय से सफाई कर्मचारी ही नहीं है और यहाँ पर हर वक्त गंदगी का आलम फैला रहता है। पुस्तकालय का टॉयलेट 2 महीने से ब्लॉक होने के कारण बंद पड़ा है। पुस्तकालय में कई चेयर टूटी पड़ी हैं। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के बारे में पहले भी जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। मेरा नाम खुशबू गुप्ता है। हम डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी मंडी में हर रोज पढ़ने आते हैं। यहाँ भी पिछले 2.5 महीने से वॉशरूम खुले नहीं है और ना ही ये भी देखने को मिल रहा है कि चेयर्स बार बार टूट रही हैं। और जो प्रशासन का ये कहना है, लाइब्रेरी प्रशासन का, कि वो उनके पास फंड्स नहीं है, ना टॉयलेट के लिए फंड्स हैं और ना ही जो टूटी हुई चेयर्स हैं, ना ही वो उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे पहले तकरीबन 1 महीने पहले हम डीसी सर के पास गए थे इस समाधान को लेकर, इस प्रॉब्लम को लेकर कि उसका समाधान करें, बट डीसी सर ने कुछ किया नहीं। और आज हम एडीसी मैम के पास गए हैं, तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा। और मुझे आशा है कि जल्द से ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अगर देखें तो वैसे 70 के आसपास चेयर्स हैं वहाँ पे, 24 आवर्स की एक सिटिंग है वहाँ पे और बाकी 9 से 10 खुलती है, तो 9 से 5 सॉरी वो खुलती है। तो अभी जो 24 आवर्स की है उसमें ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि रात को भी काफ़ी बच्चे पढ़ने आते हैं और जो गर्ल्स हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है वॉशरूम जाने की जो नाइट को आते हैं। प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द जो ये टॉयलेट है इसकी जो भी प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व किया जाए और जो चेयर्स है, बिकॉज अब चेयर्स ही नहीं होगी बैठने के लिए तो हम लोग कहाँ बैठेंगे, है ना। अब चेयर्स तो हम अपने घरों से नहीं ला सकते ना कि चेयर्स उठा के ले आए, तो ये हमारी ये है। तो इसको जल्दी से जल्द इसका सॉल्यूशन दिया जाए प्रशासन के द्वारा, तो हम अभी हमारी यही मांग है। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी मंडी में हर रोज़ पढ़ने आता हूँ। हमारी समस्या सबसे बड़ी है कि यहाँ ना साफ़ सफाई की व्यवस्था है। अगर हम स्टाफ के साथ बात करने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, ना ही उनके पास स्वीपर्स हैं। कई बार तो हम सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर झाड़ू लगाया है, तो हमारी यही समस्या है कि यहाँ स्वीपर की भी व्यवस्था की जाए। 1.5 साल से स्वीपर नहीं है, हम खुद ही झाड़ू लगाते हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं इसी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आता हूँ। हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। मैं तो 2019 से लाइब्रेरी में आता हूँ, तो 19 से हमने इस चीज़ को लेके बात की। हम 19 में सीएम साहब से भी हमने बात की थी, जयराम जी से, तो उन्होंने बोला, आश्वासन दिया था हमें उस टाइम कि हम आपको स्पेस प्रोवाइड कराएंगे, तो आज तक वो स्पेस नहीं प्रोवाइड हुआ है। इतने बच्चे आते हैं, कई बार तो सुबह 5 बजे ही फुल हो जाती है लाइब्रेरी। जो बच्चा इतने दूर से 5 बजे आएगा, वो 9 बजे तक वेट करना पड़ता है उसको हॉल का। तो ये समस्या भी काफ़ी बड़ी है और बार बार हम इस चीज़ पर ध्यान दे जाते हैं, पर कोई होता नहीं, प्रशासन इस चीज़ पर कोई कदम नहीं उठाता। और रहती है रात की बात, रात को जैसे 24/7 आते हैं, तो रात को जो बच्चे आते हैं वॉशरूम की दिक्कत होती है। और प्रशासन एक तरफ मैसेज देता है लोगों को कि स्वच्छ भारत अभियान का, और दूसरी साइड बाहर जाने के लिए इशू हो जाते हैं बच्चों को, रात को जाना तो जाना, कहाँ जाए। तो ऐसी समस्याएं हम प्रशासन से यही उम्मीद कर रहे हैं इस टाइम कि इन चीज़ों के जल्द से जल्द सोल्यूशन निकाले जाएँ। बस धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।